Hello Competitive Outlook family, I hope you all are doing very well. Today we are here with the next set of MCQs from computer section and the topic is basics of computer. So let us proceed without wasting any time. So the question is, punched cards were first introduced by, ठीक तो punched cards ये एक किस्म के जो data storage devices थे तो ये सबसे पहले introduce किसने किए थे? ऑप्शन ए है पावर्स, ऑप्शन बी है जैकॉर्ड, ऑप्शन सी है पास्किल, ऑप्शन डी है हरमैन होलरिथ, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द एबो. ठीक है, तो इनमें से पंचड कार्ड सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किए थे? तो करेक्ट ऑप्शन इज हरमैन होलरिथ, विच इज ऑप्शन डी. तो इनको होलरिथ कार्ड्स भी कहा जाता है, ठीक, या इनको IBM कार्ड्स भी ही कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 92 इज वर्ड लेंथ ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर इज डैश डैश. ठीक, तो एक पर्सनल कंप्यूटर की वर्ड लेंथ कितनी है? ऑप्शन ए इज 4 बिट्स, ऑप्शन बी 8 बिट्स, ऑप्शन सी 16 बिट्स, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबो. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी विच इज 8 बिट्स. सो द वर्ड लेंथ ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर इज 8 बिट्स. क्वेश्चन नंबर 93 इज ऑपरेटिंग सिस्टम्स एडिटर्स एंड डिबगर्स कम अंडर. ठीक, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर्स और डिबगर्स किसके अंडर आते हैं? ऑप्शन ए इज सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी इज यूटिलिटीज एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द एबो. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए विच इज सिस्टम सॉफ्टवेयर. इट मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर्स एंड डिबगर्स कम अंडर सिस्टम सॉफ्टवेयर. क्वेश्चन नंबर 94 इज विच अमंग द फॉलोइंग डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन. ठीक है, तो नीचे दिए हुए डिवाइसों में से कौन एक जरूरत होता है इंटरनेट कनेक्शन के लिए? ऑप्शन ए इज जॉयस्टिक, ऑप्शन बी इज मॉडम, ऑप्शन सी इज सीडी ड्राइव एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द एबो. एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी विच इज मॉडम. इट मॉडम इट मीन्स कि अगर किसी डिवाइस को इंटरनेट कनेक्शन के लिए कनेक्ट करना हो या जरूरत हो तो तब उसके लिए जरूरत है मॉडम. क्वेश्चन नंबर 95 इज DMA स्टैंड्स फॉर. ऑप्शन ए इज डायरेक्ट मेमोरी एक्सिस, ऑप्शन बी इज डायरेक्ट मॉड्यूल एक्सिस, ऑप्शन सी इज डायरेक्ट मेमोरी एक्सिस, ऑप्शन डी इज नन ऑफ द एबो. एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए विच इज डायरेक्ट मेमोरी एक्सिस. क्वेश्चन नंबर 96 इज व्हेन डिड जॉन नेपियर डेवलप लॉगरिदम. ठीक, तो जॉन नेपियर ने लॉगरिदम को कब डेवलप किया? ऑप्शन ए इज 1614, ऑप्शन बी इज 1416, ऑप्शन सी इज 1641, ऑप्शन डी इज None of the above. Correct answer is option A, which is 1614. Question number 97 is the second generation computer was based on. ठीक, तो second generation computer किस पे based था? Option A is vacuum chips, option B is silicon chips, option C is transistor, option D is biochips, option E is none of the above. एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी विच इज ट्रांजिस्टर. क्वेश्चन नंबर 98 इज BIOS स्टैंड्स फॉर. ऑप्शन ए इज बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन सी इज बेसिक इनपुट आउटपुट स्टैंडर्ड्स, ऑप्शन डी इज नन ऑफ द एबो. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी विच इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. क्वेश्चन नंबर 99 इज व्हाट डू यू कॉल अ सिंगल पॉइंट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन. ठीक, तो कंप्यूटर स्क्रीन पे एक सिंगल पॉइंट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए इज सेल, ऑप्शन बी इज एलिमिट, ऑप्शन सी इज पिक्सल, ऑप्शन डी इज नन ऑफ द एबो. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी विच इज पिक्सल. क्वेश्चन नंबर 100 इज हाउ वॉज द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्लासिफाइड.
ठीक। तो कंप्यूटर्स की जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एटसेट्रा जो जनरेशन है कंप्यूटर की, इनको कैसे क्लासिफाई किया गया? ऑप्शन ए इज बाय द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर, ऑप्शन बी इज बाय द मॉडल ऑफ द कंप्यूटर, ऑप्शन सी इज बाय द डिवाइस यूज्ड इन मेमोरी एंड प्रोसेसर, ऑप्शन डी इज बाय द एक्यूरेसी ऑफ द कंप्यूटर एंड ऑप्शन ई इज नन ऑफ द एबो। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी विच इज बाई द डिवाइस यूज इन मेमोरी एंड प्रोसेसर। ठीक, इसका मतलब है इन कंप्यूटर्स को जो हम क्लासीफाई करते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एटसेट्रा जनरेशन, ये किस बेस पे किया जाता है, ये इनकी मेमोरी में कौन सा डिवाइस इस्तेमाल किया गया है और प्रोसेसर में। तो विद दिस टूडेज MCQs on computer section comes to an end. I hope this video is important for you, and if you find this video important, do like, subscribe, share. And also don't forget to hit the bell icon so that every update from this channel reaches to you at the earliest. Thank you. Have a nice day.